हेलो, इज इट ऑडिबल इट इज विजिबल हेलो, हेलो, गुड इवनिंग अ गुड इवनिंग प्लीज सबको बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है तो सब ज्वाइन कर सके आई नो यहाँ पे आ, ऐसा नहीं है कि मैं टाइम से नहीं आती यू डोंट नो ना सिचुएशन। मैं अभी अपनी टूथ सर्जरी करवा के लौट रही हूँ एंड डॉक्टर मी कि मुझे नहीं बोलना चाहिए ठीक है जस्ट बीस मिनट पहले लौटी हूँ मैं सो आई रियली डोंट नो कि मैं बोल पाऊँगी या नहीं विकास इफ़ यू वॉन्ट टू कम इन माई प्लस क्लास यू यू कैन कम बट आई है मैं बस अभी अपनी टूथ सर्जरी से वापस आ रही हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि मैं इस पेन में रहूँगी कि मैं नहीं बोल पाऊँगी ठीक है इसी लिए तो अब क्योंकि मैंने ये क्लास शेड्यूल कर दी थी तो मैं इसे कैंसिल नहीं करना चाहती थी, थी तो डोंट वरी हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं मुझे पता है सब लोग आए थे एंड चले गए बट इट्स ओके इट्स ओके ठीक है जितने लोग हैं हम उन्हीं लोगों के साथ शुरू करते हैं मैं बीस मिनट पच्चीस मिनट जितनी देर पढ़ा सकती हूँ पढ़ा लूँगी ठीक है मैं उतनी देर पढ़ा लूँगी या टेन पी एम पे भी एक क्लास है बट आई विल रीशेड्यूल दैट उस क्लास को मैं रीशेड्यूल कर दूंगी ये यूट्यूब वाली कर लेते हैं डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी अभी अभी आप प्लीज़ जितनी देर में पढ़ा सकती हूँ उतनी देर पढ़ लीजिए यस सो गुड इवनिंग एवरीवन अभी तक इस क्लास में जितने भी लोग जुड़ गए हैं उन सभी का इस क्लास में बेहद स्वागत है जहाँ पे आप लोग मेरे यानी कि अपूर्वा राजपूत के साथ मिलकर कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क फ्रॉम दी गूगल अर्थ देखिए आप सभी जानते हैं कि आपके प्रलिम्स के सिलेबस में आप लोगों से हर बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं नेशनल पार्क से यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों से इसी के साथ आप लोगों से जो सवाल पूछे जाते हैं वो वन्य जीव अभ्यारण यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह से भी पूछे जाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डीप में अपने आप प्लस कोर्स में करवाती हूँ स्पेशल क्लासेस में करवाती हूँ लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं इन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो क्योंकि इन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसी हम कोशिश करते हैं कि हम बार बार रिवाइज़ करें और रिवाइज़ करके इन चीज़ों को क्या कर पाएँ रिवाइज़ करके इन चीज़ों को याद रख पाएँ रिविजन इज मस्ट और आप लोगों के लिए जो रिविजन है क्योंकि आप लोग नहीं कर पाते हो मैं आपसे हमेशा कहती कि डू वर्क आप लोग काम करो पे आप गूगल अर्थ पे जाओ या गूगल मैप पे जाओ और वहां जाकर के क्या करो वहां जाकर के आप इस तरीके से चीजों को सर्च करो उनकी लोकेशन देखो तो वही हम लोग आज करने वाले हैं आज हम लोग हमारे भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों को कंप्लीट करेंगे मैंने आपके लिए एक घंटे की दो क्लासेस रखी थी आज और परसों में लेकिन आज हम आधे घंटे की क्लास करेंगे और अगली जो क्लास होगी उसे हम डेढ़ घंटे के लिए कर लेंगे ठीक है चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभियान में अंतर क्या होता है दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के लिए जरूरी होता है कि हम अपने देश की जैव विविधता की वनस्पति की रक्षा करें और इसी तरीके से वनस्पति और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए हम अपने देश में कुछ जगह को रिजर्व कर देते हैं जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बना दिए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत बनाए जाते हैं मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये इनसी टू कंजर्वेशन है या एक्सी टू आप जानते हैं कि अगर हम जैव विविधता का संरक्षण करना चाहते हैं तो ये दो तरीके से होता है इनसी टू और एक्सी टू इनसी टू मतलब इनसी टू मतलब कि जहां पर जीव जंतु हैं जहाँ पे वनस्पति हैं आपने वहीं के वहीं उसका संरक्षण कर दिया और एक्सी टू मतलब एक्सी टू का मतलब होता है कि आपने उनको कहीं और ले गए और कहीं और ले जाके उनका संरक्षण कर रहे हैं जैसे जू बनाना बॉटनिकल पार्क बनाना ये सब एक्स एक्सीटू है लेकिन जहां वो पहले रह रहे थे वहीं पे बाउंड्री बना के वहीं पे उनका संरक्षण करना दिस इज इनसी टू तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण ये सबके सब, सब इन इंस्टीटू कंजर्वेशन में आते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण ये दोनों ही राज्य सरकार के द्वारा जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत बनाए जाते हैं इन दोनों में छोटा सा अंतर होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर चीजें ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं वहाँ पे आप बहुत से कार्य नहीं कर सकते लेकिन लेकिन आप लोग ये कर सकते हो कि आप वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं और जबकि उसकी जगह पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं एरिया का कोई अंतर नहीं होता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में एरिया का ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा एरिया बड़ा होगा कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है बस आपको मेरे साथ यहाँ ये देखना है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें नियम ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों को देखना आज आप मेरे साथ चार पांच राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान देख लो जितनी देर मुझसे बोलते बनता है उसके बाद हम लोग परसों की क्लास में डेढ़ घंटा पढ़ लेंगे चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों मैम मैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ आज बर्थे हैं मम्मी से बात करने के बाद सबसे पहले आपको मैसेज किया बट आपने विश नहीं किया कृतिका मुझसे पता है तुम्हारा बर्थडे है और मैंने बहुत मिस किया बट तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं हॉस्पिटल में बैठ के सर्जरी करा रही थी और ये जो क्लास है मुझे ये भी पता था कि तुम इस क्लास से बहुत उम्मीद लगा के बैठी होगी है ना कि मैम आएंगी और तुम्हें लाइव विश करेंगी तो इस यूट्यूब की रिकॉर्डिंग सालों तक रहेगी फिर भी मैं तुम्हें यहाँ विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे ठीक है और ये यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हमेशा रहने वाली है तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते रहना और सबको सुनाना और अगले साल मेरी क्लास में आई एस बन के आना ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग कश्मीर चलते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या है जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ तक ये जम्मू कश्मीर की बात है आपको दिखाई देता है कि ये कश्मीर हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में भी आपको बहुत सी वनस्पतियाँ और वन्य जीव मिलते हैं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं यहां पर भी आपको कुछ नेशनल पार्क मिल जाएंगे जैसे कि दाचीग्राम नेशनल पार्क आप सबने आप सबने नाम सुना दाचीग्राम नेशनल पार्क नाम सुना सबने दाचीग्राम आपको पता है दस गांव थे उन दस गांव को मिला करके एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसे कहा गया दाचीग्राम अरे अभी इधर ध्यान दो सबने क्या नाम सुना दाचीग्राम आपको इसकी लोकेशन पता है ये कहाँ है चलो तो आज ना अपन मस्ती करने वाले हैं इस क्लास में और ये मस्ती मैं छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने आपकी क्लास भी रीशेड्यूल नहीं की तो बस दाचीग्राम घूमने चलेंगे आज बस हमारी गूगल अर्थ खुल गई है देखो यहाँ लिखते हैं अपन दाचीग्राम नेशनल पार्क लिखा मिल गया मुझे यहाँ पे दाची ग्राम नेशनल पार्क मिल चुका है गूगल अर्थ में दिख रहा है सबको दिख रहा है देखो अब अपन इसको और अच्छे से देखते हैं देखो 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 रुक जाओ ये है हमारा दाची ग्राम इसे आप कहाँ देख सकते हैं ये है अपनी पृथ्वी हमारी इस पृथ्वी में ये आपको हमारा प्यारा भारत दिख रहा है अब ये जो हमारा प्यारा भारत दिख रहा है इसमें आप क्या देख सकते हैं ये देख सकते हैं कि दाची ग्राम कहाँ है हमारे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में तो जम्मू कश्मीर मतलब उत्तरी इलाके में आपको ये रेड डॉट दिख रहा है आपको ये रेड डॉट दिख रहा है यहाँ पे है दाची ग्राम अच्छा से देख लीजिए तो अगर मैं इसे जूम करती हूँ तो हम कश्मीर में पहुँचते हैं और जूम करते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं देखिए यहाँ या, यहाँ श्रीनगर है उसके ऊपर यहाँ आपको दाचीग्राम दिख गया सबको दि दिखा, दिखा दाची ग्राम सब ने देखा तो ये है आपका दाची ग्राम नेशनल पार्क एक बार ना हम लोग क्या करते हैं इसको मैप में भी देखते हैं अब गूगल अर्थ पे देखा थ्री में अब हम इसको मैप में देखते हैं नहीं नहीं लद्दाख नहीं है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर अब अगर आप लोगों को इसे यहाँ देखना है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गूगल मैप पे ये कहाँ दिखेगा देखिए इस तरीके से आपको याद होगा समझा तो मैं आपको स्पेशल क्लास प्लस क्लास में चुकी हूँ मैं आपको बस याद करवाना चाह रही हूँ जिससे घूमते घूमते आपका रिवीजन हो दिख रहा है दिख रहा है ये हमारा इंडिया और इस इंडिया में यहां पे ये देखो अब जो कोई बोल रहा था कि मैम लद्दाख दिख रहा है आप लोग कह रहे थे कि लद्दाख दिख रहा है देखो 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 ध्यान से देखना हाँ आंखें खोल के देखो दिख रहा है ये बाउंड्री लाइन कि डैश डैश वाली लाइन दिख रही है ये डिवाइड कर रही है इस साइड जम्मू कश्मीर है इस साइड लद्दाख है तो ये रेड डॉट देखो कहाँ दिख रहा है ये देखो जरा कहाँ दिख रहा है अपने कश्मीर में है ये ये डॉट देखो लद्दाख इधर है तो ये कहाँ पे है पूरी तरीके से कश्मीर में है सबने देख लिया दाचीग्राम को अब जीवन भर भूलोगे तो नहीं घुमा लाई मैं तुम्हें देखो याद रखो मैम अपनी सर्जरी कराने के बाद तुम्हें फ्री में घुमा के लाएंगे दाची ग्राम तो खबरदार अब जो इसे भूले ठीक है याद रखना टूटे दांत वाली मैम के साथ घूम के हो ठीक है चलिए अब अब दाची ग्राम देख लिया है तो ये क्या है ये एक नेशनल पार्क है दाची ग्राम एक नेशनल पार्क है जो आपको कहाँ दिखाई देता है जम्मू कश्मीर में अब जब इस नेशनल पार्क को देख लिया है तो आपने मेरे साथ कई बार पढ़ा है आज और देख लो कि यहाँ पे कौन कौन से जीव मिलते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से जीव मिलते हैं यहाँ पे मिलती है कश्मीरी स्टैग कश्मीरी स्टैग मतलब कश्मीरी स्टैग मतलब कश्मीरी महामृग ये एक तरीके की हिरण है और आप लोगों को मैंने कई बार IUCN के बारे में बताया है कि IUCN क्या है तो अब जब आप जानते हैं कि IUCN क्या है तो ये क्या है ये है आप लोगों के लिए आ समझते जाओ थोड़ा थोड़ा आपकी हर क्लास देखता हूं यूट्यूब की आप स्पेशल क्लास में ज्वाइन कीजिए ये जो है ये क्या है ये है कश्मीरी महामृग तो ये जो कश्मीरी महामृग है ना एक तरीके की हिरण है इसका आयु सी एन स्टेटस जल्दी से लिखो सब, जल्दी से लिखो इसका आयु सी एन स्टेटस आयु सी एन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर। यहाँ पे लद्दाख का लद्दाख का राजकीय जीव भी मिलता है और लद्दाख का राजकीय जीव क्या है स्नो लियोपड़ लद्दाख का राजकीय जीव है स्नो लियोपड़ हिम तेंदुआ तो ये जो हिम तेंदुआ है ये भी आप लोगों को यही मिलता है दाची ग्राम नेशनल पार्क में ठीक है चलिए अब अब बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क की तरफ अगला नेशनल पार्क आपको मिलेगा लद्दाख में और इसका नाम क्या है इसका नाम है नेशनल पार्क इसका नाम, है? नाम है हैमि नेशनल पार्क घूमने चलोगे हेमिस नेशनल पार्क घूमने चलोगे चलो पक्का फ्री में चलोगे टिकट कटवाओगे चलो फ्री में चलो तुम लोग अब हम लोग अगर लद्दाख में हैमिस नेशनल पार्क जा रहे हैं तो चलो ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पे चलो भाई हमें हैमिस नेशनल पार्क लेके चलो चलो अभी अपनी गाड़ी चल पड़ी, चल पड़ी है चल पड़ी है चल पड़ी है चल पड़ी है देखो ये आ गए हैमिस नेशनल पार्क देखो 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 हैमिस नेशनल पार्क आ गए हैं है हम आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से पहाड़ियों के बीच में है अब अगर इसको मैं देखने की कोशिश करूँ तो कोई भी यहाँ पर पहचान सकता है कि ये कहाँ है कहाँ दिखाई दे रहा है देखो ये हमारा महान भारत हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान से याद आया आज तो हिंदी दिवस है हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सबको ठीक है सब हिंदी केवल एक भाषा है हिंदी अंग्रेजी तमिल ये सब भाषाएं हैं आपके ज्ञान को व्यक्त करने की और ये आपके ज्ञान को नहीं दिखाती केवल आपके ज्ञान को व्यक्त करने का एक तरीका है चलिए तो ये आपको हमारा इंडिया दिखा अब इस इंडिया को जूम करते हैं तो ये आपको कहाँ दिख रहा है लद्दाख में देखो ये कहाँ दिख रहा है लद्दाख में तो लद्दाख में आपको यहां दिखेगा हैमिस नेशनल पार्क अब एक बार हम इसको कहाँ देख के आते हैं अब अपन ना इसको एक बार देख करके आते हैं अपने इस वाले मैप में गूगल मैप में तो गूगल मैप में अगर मैं आपको हैमिस नेशनल पार्क दिखाऊं जल्दी जल्दी देख लो मुझे दर्द होने लगा है तो अगर आप लोगों को यहां पे हैमिस नेशनल पार्क देखना है तो कहाँ मिलेगा ये देखिए ये मिलेगा आपको यहाँ सबको इंडिया दिख रहा है सबको हमारा भारत दिख रहा है अब ये भारत दिखा तो मैंने आपके भारत को हमारे भारत को थोड़ा सा जूम किया ये बाउंड्री दिख रही है सबको ये डैश डैश वाली ये बाउंड्री दिख रही है आई थिंक आप पहचान पा रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर है इस साइड वाला और इस साइड वाला लद्दाख है ये आपके लिए कश्मीर है यहाँ पे और ये आपका लद्दाख है तो हैमिस किधर है भैया हैमिस किधर है हैमिस है लद्दाख में देखो स्पेशल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है स्लाइड बना बना के पढ़ाया है आज मैं आपको घुमाने लाई हूँ रिवीजन कराने क्यों जिससे आप अगर दो तीन महीने में एक बार रिवीजन करो तो भूलो ना अभी न्यूज में जो नेशनल पार्क रहे हैं वो मैं अगले सेशन में कराऊंगी जो स्पेशली न्यूज में रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए तो अब ये कौन सा हो गया आपका ये हो गया लद्दाख वाला अब आगे चलते हैं अब भाई लद्दाख वाला नेशनल पार्क आपने देख लिया है तो लद्दाख में पता है कौन मिलता है लद्दाख में मिलता है लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड सबको तो हिम तेंदुआ दिख रहा है या आराम से दिखाऊं देख लो देख लो मेरे सर के ऊपर बैठ गया अभी दांत में दर्द है भी सर पे बैठ जाएगा यार जल्दी देख लो मुझे डर लग रहा है जल्दी देख लो मुझे डर लग रहा है देख लिया हाँ तो ये हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु बन चुका है और ये जो हिम तेंदुआ है ये हेमिश नेशनल पार्क में पाया जाता है अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ अपन को कुछ याद करना है ये लोग कह रहे हैं कि हेमिस नेशनल पार्क के पास इंडस रिवर मिलती है इंडस बोले तो अपनी सिंधु और ये बोल रहे हैं कि मारखा रिवर मिलती है रोमबक मिलती है और हिमालय की जास्कर रेंज मिलती है चेक करें चेक करें सच्ची में मिलती है कि नहीं इंडस रिवर मारखा रोम्बक चलो चेक करके आते हैं आज तो मतलब बाल की खाल निकाल लेंगे अपन पार थोड़ी रहे आज तो अपन सब है यहाँ घूमने आए हैं जो घूमने आए हैं तो आज पता करके ही मानेंगे सच्ची में ऐसा कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है देखो 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 ध्यान से ये है, है हैमिस अरे जूम हो जा जूम हो जा जूम हो जा हो 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 गया अब ये जूम हुआ, ये हुआ हैमिस नेशनल पार्क है तो अब मुझे नदी ढूंढनी है कौन कौन सी नदी बोली थी कौन कौन सी नदी बोली थी बताना जरा एक तो इंडस बोली थी तो क्या इसके पास इंडस है है मिल गई मुझे इंडस तुम्हें नहीं मिली देखो मुझे मिल गई दिखाती हूँ यहाँ पे मुझे इंडस मिल गई यहाँ ये है इंडस रिवर मुझे इंडस रिवर दिख गई यहाँ ठीक है ये नीचे दिख रही है और कौन सी बोला है उसने और कौन सी बोला है इंडस के अलावा मारखा मारखा बोला है अच्छा चलो मारखा को ढूंढते हैं अब अपन मारखा रिवर को ढूंढते हैं ऐसे तो मारखा दिख नहीं रही है छोटी सी रिवर है सर्च करके ढूंढते रुको 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 ढूंढ आज तो बस मैं तुम लोगों को सब कुछ घुमा के ही मारूंगी आज सब कुछ घूम के ही मारेंगे हाँ हाँ मारका मारका चल रही हूं चल रही हूं चल रही हूं चल रही हूं, चल रही हूं यार टूटी फूटी मैडम है दांत में दर्द है डर दर लगता है मतलब धीरे धीरे चलो यार चलिए तो ये मारखा रिवर कहाँ है ये मारखा रिवर आपको दिखेगी यहाँ जासकर रेंज के पास जरा सा ब्लू दिख रहा है शायद आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा भी नहीं मुझे लैपटॉप में ज़रा सा ब्लू दिख रहा है छोटी सी रिवर है मारखा छोटी सी रिवर है मारखा जो कि इस हैमिश नेशनल पार्क के पास है ये है हेमिश और इसी के पास है मारखा देखो अब अपन थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं तो ये कम जूम किया तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है ये है हैमिश कहाँ है लद्दाख में और इसके पास यहाँ क्या है इसके पास ऊपर है मारखा ऊपर ही आपके लिए जासकर रेंज चलो अब अब और क्या देखना है अब आप लोगों को ना मारखा रिवर एक बार मैं इमेज में भी दिखा देती हूँ कहाँ है भाई मारखा रिवर आज मेरे इतने सारे लर्नर्स घूमने आए उनको मैं मारखा दिखा के ही मानूंगी चलो छोड़ो तो यहाँ पे तुमने हेमस तो घूम लिया ना हैमिस तो घूम लिया ना सब ने घूम लिया हैमिस ओके okay. अब अपन सलीम अली नेशनल पार्क चलते हैं आपको याद होगा जब भी मैं सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में बताती हूँ तो ये तो मैं बताती हूँ कि श्रीनगर में है जम्मू कश्मीर की राज जम्मू कश्मीर के पास श्रीनगर में अब आपको देखना है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये सलीम अली अंकल कौन थे कोई बताएगा मुझे ये सलीम अली अंकल कौन थे ये एक बर्ड वॉचर थे बर्ड वॉचर मतलब जो पंछियों को देखते थे जो किसको देखते थे जो देखते थे यहाँ पे अरे सक्सेस सक्सेस भाई बहन कौन हो आप मैडम ये क्या है अरे आपकी डीपी तो बड़ी अच्छी लग रही है एक सक्सेस कौन है यार इनकी डीपी में मोदी जी दिख रहे हैं ये बर्ड वॉचर थे ये पक्षियों को देखा करते थे ठीक है लिख रहे हैं बर्ड लवर क्यार पक्षी प्रेमी बर्ड लवर भी ठीक है लेकिन वो बर्ड वॉचर थे तो आज ना अब यूट्यूब पे हैं अपने साथ पूरे अस्त्र शस्त्र हैं मतलब गूगल बाबा हैं तो आज सलीम अली अंकल को भी देख के आते हैं चलो आज उनसे मिल के ही आएंगे सलीम अली अंकल से मिल लो यार आज तुम जो बोलोगे वो दिखा दूंगी ये हैं सलीम अली अंकल ये एक बर्ड वाचर है खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ जल्दी खुल जाओ ये है। दिख गए दिख गए हेलो बोलो दिख गए तुम तो? हाँ ये हैं सलीम अली अंकल इन्हें हम देख सकते हैं अब ये जो सलीम अली हैं ये बहुत है? बड़े क्या हैं ये बहुत बड़े बर्ड वॉचर हैं आप देख सकते हैं कि इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आप देखो ये दिख रहा है मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ये दिख रहा है इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ये लिखा हुआ है अब अब इतना कुछ देख लिया अब क्या मतलब घर ले चलू सलीम अंकल के देख लिया ना हाँ अब एक बात बताओ कि ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है मुझे क्या पता कहां है आज आप लोग मेरी स्लाइड पे विश्वास नहीं करोगे आज तो ढूंढ के मानोगे कि सबके सब, सब कहाँ है आज अपन पढ़ने थोड़ी ना आए हैं आज तो हम लोग बस एवं इंजॉय करने आए घूमने आए कहाँ है नेशनल पार्क मैम आप अपने घर का लोकेशन भी दिखाइए मिलने आना है अच्छा इसको बोलते हैं लाइव क्लास का फायदा उठाना ये देखो मैडम आज गूगल अर्थ पे अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता दो पता लगे कल सुबह सबके सब मेरे घर है ना पता लगे सुबह सुबह सबके सब मेरे घर इतने लोगों की चाय बनाते बनाते थक जाऊँगी मैं तो और तुम लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है मुझसे ज़रूर कहोगे कि मैडम खाना भी खाना है है ना इतना सारा खाना मैं बनाऊंगी तो मेरी स्लाइड कौन बनाएगा हाँ तुम लोग तो बड़े होशियार हो घर की लोकेशन दिखा दो चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है सलीम अली नेशनल पार्क दिखा ना अरे भगवान उसको मिला ही नहीं रुक जा रुक जा रुक जाओ सलीम अली डॉक्टर का घर दिखाने लगा अरे भैया सलीम अली नेशनल पार्क दिखा चलिए अब दिखाए शायद हाँ दिखा रहा है दिखा रहा है दिखा रहा है दिखा रहा है मान गया तो ये दिखा रहा है कि दाची ग्राम नेशनल पार्क के पास ही सलीम अली नेशनल पार्क है ये क्या बता रहा है दाची ग्राम नेशनल पार्क के पास ही सलीम अली नेशनल पार्क है कहाँ पे श्रीनगर में श्रीनगर में तो आपको याद है सलीम अली नेशनल पार्क में क्यों कहती हूँ कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है और इतना ज्यादा फेमस नहीं है कि गूगल अर्थ पहली बार में पहचान लें तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको ऐसा कोई जीव भी नहीं मिलता जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड हो चलो तो इसी बात पे अगले नेशनल पार्क चलते हैं जो कि किस्तवार में है चलो आ यार तुम लोगों की किस्त बांकी थी ना मेरे पे किश्तवार से याद आया तुम लोग मुझे किस्त चुकाने वाले थे ना एक एक हजार की किस्त बांकी सबकी भिजवाओ जरा अरे एक हजार रुपए की थोड़ी एक हजार लोगों की लिंक शेयर करनी है ना हाँ तुम सबको एक एक हजार लोगों को मेरी यूट्यूब की लिंक शेयर करनी है यस ये वाली किस्त बाकी है तुम सब पे चुका देना मेरी किस्त हाँ नहीं तो इतनी सारी फ्री क्लासेस लेते हो किस्त चुका देना तो ये तो किस्तवार नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ दिखाई देता है ये आप लोगों को दिखाई देता है हमारे कश्मीर वाले ही इलाके में तो चलो अपन किश्तवार नेशनल पार्क घूमने चलते हैं चलो भैया अब हमें किश्तवार नेशनल पार्क लेके चल चलो अब दिखाएगा वो किश्तवार देखो आ गए हम किश्तवार इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं देखो 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 ये हमारी प्यारी पृथ्वी दिख रही है क्या लगती है ना अपनी पृथ्वी क्या लगती है मतलब अब ये जो किश्तवार नेशनल पार्क है इसको अपन कहाँ ढूँढेंगे ये जो हमारा प्यारा भारत है मतलब यार एक बात बताओ ये अपना सऊदी अरब या अफ्रीका सबसे अच्छा अपना भारत ही लगता है ना? बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे आप लोगों को लगता है आप लोगों को लगता है हाँ तो ये जो आपका भारत है इसमें आप देख सकते हो कि ये भारत में अपन जूम करते हैं और जूम करते हैं और जूम करते हैं तो कश्मीर वाले क्षेत्र में पहाड़ों के इलाके में ये आपको दिखा रहा है कि ये पहाड़ों के इलाके में है यहां पे आपको क्या दिखता है किश्तवार नेशनल पार्क थ्रीडी में भी देख रहे हैं अपन थ्री में अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि पूरा पहाड़ों के बीच बसा हुआ है एक बार मैप में देखें चलो एक बार मैप में देखते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क अब मैप में देख रहे हैं भैया तो कहाँ दिख रहा है ये? देखो 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 ये मेरा प्यारा इंडिया मेरा नहीं थोड़ा बहुत तुम्हारा भी है ऐसी बात नहीं तो ये जो हमारा इंडिया है इसमें देखो कि ये जो आपको इंडिया दिख रहा है ये देखा खूबसूरत सा ये जो इंडिया आपको दिख रहा है इसमें आप पहचानने की कोशिश करो कि तुम्हारा लद्दाख कहाँ है और जम्मू कश्मीर कहाँ है आंखें खोलो ज़रा आंखें चश्मा लगाओ चश्मा लगाओ चश्मा ओ ओ चश्मा लगाओ चश्मा है चश्मा है भगवान की दया से चश्मा है है तो लगा लो कि डैश वाली लाइन दिख रही है मैम टेलीग्राम ग्रुप है क्या अरे भैया बढ़िया अच्छा वाला टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी इन हिंदी और ज़रा टेलीग्राम ग्रुप में पी देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डैश वाली लाइन जिसको नहीं दिख रही हो ना अपने मोबाइल में भी खोल लेना ये डैश वाली लाइन आपको बता रही यहाँ है, है लद्दाख यूटी और ये है क्या ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर तो दिखा जम्मू और कश्मीर इस जम्मू कश्मीर में यहां पे यहाँ पे क्या है किश्तवार नेशनल पार्क यहाँ पे है आपका किश्तवार नेशनल पार्क अब ये जो किश्तवार नेशनल पार्क है इसे आप लोगों ने देख लिया मैप में अब क्या करें अब ये जो किश्तवार नेशनल पार्क है इसकी बस लोकेशन याद रखना और कुछ याद मत रखना अब यार अपन ने एक राज्य तो घूम लिया है थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो रहा है बट मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को छोड़ के जाने का एक राज्य और घूमोगे क्या एक राज्य और घूमोगे क्या क्या बोलते हो हिमाचल प्रदेश घूमोगे मेरे साथ चले चले चलो 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 हिमाचल प्रदेश जाने की लगेंगी दो शेयर सब लोग दो दो लोगों को शेयर कर देना चलो हिमाचल प्रदेश चलें यार तुम लोग इतने इतने सुंदर लग रहे हो आज सबके सब, सब मतलब मेकअप मेकअपेकअप करके आए हो क्या मेकअप बेकअप करके आए हो क्या हाँ तभी इतने सुंदर लग रहे हो सब चलो हिमाचल प्रदेश चलते हैं यार कई लोगों को ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अंतर ही समझ में नहीं आता तो आज क्योंकि अपन गूगल मैप पे बैठे ही है तो सबसे पहले तो मैं ना तुमको हिमाचल प्रदेश का नक्शा अच्छे से दिखाऊंगी यार आज मैप में बहुत अच्छे से मेरे कई स्टूडेंट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश बोलो चलते 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 उत्तराखंड पहुंच जाते हैं यार आज तुम देख ही लो आज तुम देख ही लो हिमाचल प्रदेश कौन सा है सुनो गौर से यूपीएससी वालों क्या ये सुनो गौर से कि ये है तुम्हारा इंडिया और तुम्हारे इंडिया में मतलब मेरा भी है इस इंडिया में आपको क्या दिखाई देता है ये दिखाई देता है कि यह डैश वाली लाइन ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश ये है ऊपर हिमाचल प्रदेश ये ऊपर उसके नीचे है उत्तराखंड इधर पंजाब इधर हरियाणा दिख रहा है हिमाचल प्रदेश देख लिया अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क देखने अब हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं इतने सारे तो यार टाइम नहीं है जल्दी करना है थोड़ा अब जल्दी करना है तो एक काम करते हैं इकट्ठे ही देखते हैं सबके सब सबके सब इकट्ठे ही देखते हैं चल अब अगर इकट्ठे देख रहे हैं तो क्या हुआ इकट्ठे देखने की कोशिश की तो देखो जरा कितने नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं देखो 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 रेड 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 ये पूरा हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है ये सारे के सारे नेशनल पार्क अपने हिमाचल प्रदेश में है ये देखो कौन कौन से नाम पहचाने दिख रहे हैं कौन कौन से नाम पहचाने दिख रहे हैं देखो 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 पिन वैली पिन वैली सुनो गौर से यूपीएससी वालों वाओ मैम अरे बेटा जी हम तो और अच्छे से पढ़ाते हैं आज थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसीलिए वरना आओ कभी हमारी स्पेशल क्लास में यकीन आपको जोग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना बनवा दिया ना तो, तो तो जो बाइडन का नाम जो बाइडन नहीं चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिन वैली है ये क्या है ये है इंद्रकला नेशनल पार्क ये क्या है ये है आपका सिम्बर वाला नेशनल पार्क तीन के नाम पहचाने पिन वैली देखो ये ऊपर है उसके बाद उसके बाद यहाँ सिम्बर वाला है ऊपर किला है ये दिख गए आपको चलो और देखते हैं और थोड़ा सा जूम किया और कोई सा यहाँ पे काम का है खीर गंगा देखो खीर गंगा दिख रहा है खीर गंगा दिख रहा है ये अपनी क्लास में बच्चे हैं ना मैम आज ही टेस्ट है क्या यार आज ही था आज ही था उसके पोस्टर्स वग़ैरह भी बन गए थे पर अगर मैंने आज ही टेस्ट लिया तो स्वेलिंग ज़्यादा आ जाएगी ठीक है टेस्ट परसों करेंगे परसों हम पार्ट टू भी कर लेंगे फिर इकट्ठा टेस्ट करेंगे मैं आज ले नहीं पाऊंगी ना हाँ. इसी टेस्ट परसों करेंगे खीर गंगा दिखा जल्दी बताओ गंगा में जाके खीर गिरा दी तुमने होती है तो ये चारों दिखे खीर गंगा इंद्रकला पिन वैली और सिंबलवाड़ा चार दिखे सिंबलवाड़ा चार नेशनल पार्क दिखे किधर है बोलना मत याद नहीं हुआ लाइव घुमा के लाई हूं नहीं दिखे अरे 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 क्यों नहीं दिखे पहले तो अपनी वीडियो की क्वालिटी पहले तो अरे पॉलिटी का टेस्ट कल है पॉलिटी का कल है लेकिन नेशनल पार्क का परसों होगा टेलीग्राम ग्रुप में पता चल जाएगा खीर गंगा ये है इंद्रकला ये है पिन वैली ये है और सिम्बलवारा ये है अपनी वीडियो की क्वालिटी कम से कम सेवन ट्वेंटी रखो उसके बाद अब ये सबके सब दिख गए तो आप लोग एक काम करो जो नहीं दिखा उसको हम गूगल अर्थ पे देख के आएंगे कौन सा नहीं दिखा मुझे यहाँ पे सब तो दिख गए सब दिख गए सब दिख गए पिन वैली पिन वैली नहीं दिखा ओके पिन वैली घूम के आना है मुझे चलो यार पिन वैली घूम के आएंगे पिन वैली नेशनल पार्क पिन वैली पिन वैली पिन वैली दिख जा देखो पहुंच गए पिन वैली पहुंच गए पिन वैली तो हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखो ये आपका भारत भारत में ये हिमाचल प्रदेश यहां क्या दिख गया यहां दिख गया आपका पिन वैली यहां क्या दिख गया पिन वैली तो ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये भी आप लोगों को दिख गया और बाकी भी हमने सारे के सारे देख लिए कितने देखे कोई मुझे नाम लिख के बता सकता है कौन कौन से देखे आपने पिन वैली देखा पिन वैली के बाद पिन वैली के बाद आपने वाला देखा वाला के बाद वाला के बाद इंद्रकिला देखा उसके बाद खीर गंगा देखा ये सबके सब देखे ये सबके सब देखे अब आप लोगों को क्या देखना है आप लोगों ने ये सबके सब देख लिए हैं देख लिए हैं तो क्या देख लिए हैं तो देख लिए हैं अच्छी बात है अब ये सबके सब देख लिए हैं तो फिर एक काम करते हैं कि इनमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो वो पढ़ लेते हैं ये जो सिम्बर वाला नेशनल पार्क है ना ये क्यों जरूरी है और ग्रेट हिमालयन क्यों जरूरी है इसको अच्छे से देखो यार ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पे पता है क्या मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलता है ब्राउन बेयर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है आ रहे है? अपने हिमाचल प्रदेश में ही है हिमाचल प्रदेश में ही है इसको ध्यान से देखो अरे मैं पढ़ाने थोड़ी लाई हूं आज आज तो जो पढ़ा हुआ है ना आपने वो जगह पे घुमाने लाई हूँ कि पढ़ते तो मेरे साथ बहुत हो आज थोड़ा घूम लो देखो 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 देखा देखा ग्रेट हिमालयन दिख गया हाँ ये देखो ये इंडिया इसमें हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ये ग्रेट हिमालयन यहाँ पे ये ग्रेट हिमालयन इसमें पता है कौन मिलता है इसमें मिलते हैं अपने वो टेडी बियर टेडी बियर ब्राउन बियर यहाँ पे कौन मिलता है यहाँ पे मिलता है ब्राउन बियर अब भाई ब्राउन बियर क्या है ब्राउन बियर बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहता है अब किसी भी चीज का करंट अफेयर देखना है तो क्या किया गूगल में लिखा न्यूज वाले सेशन में गए तो आप देख सकते हैं नौ घंटे पहले न्यूज आई ब्राउन बियर की पंद्रह दिन पहले आई थी तीन वीक पहले आई थी तो ब्राउन बियर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है आप देख सकते हैं कि कितनी बार ब्राउन बियर के बारे में खबरें आती रहती हैं आती रहती हैं आती रहती हैं सबसे बड़ी खबर कब आई थी सबसे बड़ी खबर ये आई थी ब्राउन बियर के बारे में कि इसका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है सबसे बड़ी खबर क्या आई थी सबसे बड़ी खबर आई थी कि इसका जो हैबिटेट है ये लॉस हो रहा है अब इसका आयु सी स्टेटस देख के आए चलो देखो अब देखो 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 मैं सब कुछ आपको आज डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ ये जो ब्राउन बियर है कितना क्यूट लग रहा है यार कितना क्यूट लग रहा है ब्राउन बियर देखो जरा वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा है अरे जूम भी हो गया यार आज तो जूम भी हो गया आज तो ब्राउन बियर भी दिख रहा है उसकी आँखें भी दिख रही हैं उसकी आँखों में मुझे तुम मेरी शकल भी दिख रही है यार आज तो इस ब्राउन बियर की आँखों में आज शकल भी दिख रही है तो ये जो ब्राउन बियर है इसे आपने देखा अब अगर आपको देखना है तो ये जो ब्राउन बियर है इसका आयु स्टेटस क्या है इसका अरे ये वही है जैसे बचपन में खेलते थे ये वही वाला ब्राउन बियर है इसका आयु सी एन स्टेटस देख लेते हैं दिखाओ 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 आयु सी एन स्टेटस इसका क्या है इस ब्राउन बियर का आयु सी एन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना एक बार चेक कर लेते हैं यस हिमालयन ब्राउन बियर का आयु सी एन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हिमालयन ब्राउन बियर एक और फोटो देखोगे एक और दिख लो ये वाला ज़्यादा सही है ये वाला ज़्यादा सही है हिमालय वाला ना ऐसे ही दिखता है हिमालय वाला ऐसे ही दिखता है ये ज़्यादा सही है यार इसको देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा है नीचे आ बेटा थोड़ा नीचे आ नहीं आ रहा है ये तो यार ये तो अपनी आँख ही नहीं दिखा रहा नहीं दिखा रहा यार ये उसकी आँख नहीं दिखा रहा सॉरी चलो तो इसका आई यू सी एन स्टेटस क्या है सबको दिख रहा है मेरे ऊपर इसका आयू स्टेटस है क्रिटिकली अंडेंजर्ड क्या है इसका आयु स्टेटस क्रिटिकली अंडेंजर्ड याद रखिएगा इसका आयु स्टेटस क्या है क्रिटिकली अंडेंजर्ड है चलो 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 अब इसकी कोई एक आध वीडियो भी देखोगे क्या हाँ मतलब आज तो ब्राउन बेयर को देख के ही मानेंगे बस करो वाला परेशान मत करो देख लिया ना बस अब अब आप लोगों ने दो स्टेट्स के जो नेशनल पार्कस हैं उनको देख लिया है ठीक है अब आपने दो स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को देख लिया है बाकी स्टेट्स के जो नेशनल पार्क हैं अब अपन देखेंगे परसों बाकी स्टेट्स के नेशनल पार्क हम परसों देखेंगे परसों दो घंटे की क्लास करेंगे सोलह तारीख को और जितने भी नेशनल पार्क बचे हैं सब बता दूँगी ठीक है आज थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब है इसलिए पूरे नहीं बताएँ परसों में सारे के सारे बताऊंगी तो परसों इसी चैनल पे आना आप सब टेलीग्राम ग्रुप में होंगे यू इन हिंदी सर्च कर लेना अगर नहीं हो तो अभी आ जाना और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अन अकेडमी पर ऑफर चल रहा है टेन प्लस टेन परसेंट ऑफर मतलब बहुत सस्ता मिल रहा है किसी को भी लेना हो तो अपूर्वा टू थ्री कोड से ले लेना चलिए तो अब आपसे मुलाकात होगी परसों आठ बजे इसी क्लास में और कल आपकी फ्री स्पेशल क्लास भी है आई का सेशन है वहाँ भी मुलाकात होगी तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलती हूं कल आईपीएल के सेशन में शाम को आठ बजे और परसों आठ बजे मिलती हूं यूट्यूब पे फिर चले चलें हाँ बाय